हमारे TI महोदय जो हैं पासवान सर, उनको देखा कि उनकी गाड़ी आके लगी थी दुकान के सामने, और उनके दुकान के सामने एक बाइक थी जिसमें से एक लड़का था जिसे वो कुछ मतलब बहस हो रहा था। तो हम लोग देखे कि क्या हो रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसको वहाँ से हटाने का प्रयास कर रहे थे वो कि जाओ 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 करके, लेकिन कुछ देर के बाद वो नहीं हटा। तो बहुत वो करने के बाद फिर वो वहाँ से वो हटा, हम लोग भी बोले कि जाओ यार हो गया। तो फिर कुछ देर के बाद फिर TI सर बोले कि जाओ जाओ जाओ, उसके बाद फिर वो वहाँ से हटा। हटने के बाद फिर कुछ देर के बाद चौक से आवाज़ आने लगा, और चौक से मेरी दुकान की कुछ दूरी थी, तो जब तक ज़्यादा आवाज़ आने लगा तब तक हम लोग वहाँ पहुँचे। लेकिन हम अपने दुकान के सामने यही देखे कि उसको हटाने का प्रयास कर रहे थे, वो थोड़ा सा बदतमीजी जैसा पेश कर रहा था, मतलब हट नहीं रहा था। वो लड़का बदतमीजी कर रहा था, वो हट नहीं रहा था, ये बार बार उसको बोल रहे थे कि तुम जाओ तुम जाओ, और वो हट नहीं रहा था। मतलब कुछ देर तक वो चलते रहा, जैसे एक बार कहने के बाद के जब उस वो जब जाने लगा तो उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं। अगर किसी के साथ, किसी अगर ईमानदार पुलिस अधिकारी के साथ या कोई भी ईमानदार आदमी के साथ अगर इस टाइप से अगर कोई करेगा, तो फिर वो जाहिर सी बात है उनके उनके ऊपर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, उनके मनोभाव, उनको भाई ठेस तो पहुँचेगा ही कि इतने ईमानदारी से मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूँ, उसके बाद भी सराहना ना करके कोई जानबूझ के बदनाम करने का अगर प्रयास करेगा तो मेरे हिसाब से ये गलत है।